छूट जाता। छोटा भाई का शादी था, चार भाई था, और 440 लाइन से शॉर्ट सर्किट लग गया था। सब ग्रामीण आकर के यहाँ खाना वाना खा रहा था और अचानक आग लगा, जो कि सब अफरा तफरी का माहौल। जिला भी फोन किए और तुरंत दमकल आए, CO साहब भी आए हैं और हम लोग भी यहाँ पर सभी ग्रामीण उपस्थित हैं। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन सबसे दुखद बात है कि वो बच्चा जल करके मर गया, एक गाय जल करके मर गई है। बात थाना क्षेत्र पंसला पासवान टोला में रविवार दोपहर 2:30 बजे के करीब दिलमोहन पासवान के घर अचानक आग लग गई। इस घटना में चार घर जलकर राख हो गए। बता दें कि दिलमोहन पासवान के 10 वर्षीय छोटू की झुलसकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर सुल्तानगंज व साकुन के अग्निशमन वाहन पहुंचा, तब ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया गया। बता दें कि छोटू के चाचा अनिल पासवान की आज शादी होने वाली थी और शाम में बरियारपुर के लिए बारात निकलनी थी। ग्रामीण अजीत पासवान ने बताया कि बारात निकलने से पूर्व दिलमोहन पासवान के घर पर ग्रामीणों के द्वारा भोज खाया जा रहा था। इसी दौरान 440 वोल्ट के विद्युत तार से निकलने वाली चिंगारी पुआल के टाल पर आ गिरी और तेज पछिया हवा के झोंकों के कारण आग की लपटें भयानक हो गई। बालक आग से बचने के लिए घर में घुस गया, आग फैलने के कारण उसकी जान नहीं बच पाई। बता दें कि इस अगलगी में दिलमोहन पासवान सहित अन्य लोगों का घर आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई। घटना में 2 बाइक, 2 मवेशी, दुकान, जेवरात, साइकिल, अनाज सहित अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। होने के कारण जो लुक्का गिरा है उसी के कारण से आग लग गया, जिसमें कि भारी क्षति हुआ है। चारों पांचों भाई का घर जल करके पूरा राख हो गया। हमको जानकारी मिला तो हम CO साहब को फ़ोन किए, जिला भी फ़ोन किए और तुरंत दमकल आए, CO साहब भी आए हैं और हम लोग भी यहाँ पर सभी ग्रामीण उपस्थित हैं। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन सबसे दुखद बात है कि वो बच्चा जल करके मर गया, एक गाय जल करके मर गई है, दो मोटरसाइकिल जल गया और जितना भी कागजात, पैसा कौड़ी, कपड़ा लगता तो सारा चीज़ मुझे जल गया, अनाज भी कुछ नहीं बचा। तो हमारा रिक्वेस्ट होगा CO साहब से कि इन लोगों को कुछ खाने पीने का, मैंने अनाज का भी व्यवस्था करवाया जाए और जो सरकारी लाभ जहां तक हर संभव प्रयास करेंगे हम लोग। सर्किट लग गया था, सब ग्रामीण आकर के यहां खाना वाना खा रहा था और अचानक आग लगा, जो कि सब अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग संभाल नहीं सका और ये चार भाई था, एक भाई का बड़ा वाला भाई का एक बार बच्चा भी जल के खत्म हो गया। दो गो गाय था, दो गो गाय जल के, श्रीकांत का गाय था, दोनों गाय जल गया। दो गो रिश्तेदार का मोटरसाइकिल था, वो भी जल गया। और उसके बाद आप लोग तो देखिए ना, पूरा ग्रामीण लगा हुआ था इस पे बताने के लिए, जब घर में दमकल का गाड़ी आता था उसमें एक बच्चे का दुखद मृत्यु हो गया है, जो कि घर के अंदर ही था, और दो बछड़े का भी मृत्यु हो गया है और चार घर जल गया है पूरी तरह से। बाइक, हाँ बाइक भी, दो बाइक और एक साइकिल वगैरह, ये सभी जला है। नगद रुपया, हाँ ये सब भी, जो भी उनके घर के सामान था सारा सामान जलने की यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये सभी सब कुछ जल गया है। आज शादी के लिए बड़ा करने वाले।